अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही मजे का चटपटा और झटपट से तैयार होने वाला कढ़ाई गोश्त। आप इसे किसी भी पार्टी में या फिर दावत में बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया और 3 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज में हम डाल देंगे ये साबुत मसाला तेल, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये सारी चीजें हैं ये डाल देंगे। तो प्याज को अच्छी तरह फ्राई होने देंगे तब तक ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन में हो जाती है। 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 किलो गोश्त। गोश्त आप यहाँ बोनलेस या फिर बोन के साथ भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। अभी अच्छी तरह भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर, इसे हमने रफली चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। 3 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, तो 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया डालेंगे और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, कलर के लिए डाल रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक। ये सारी चीजों को अच्छी तरह भून लेंगे हम जब तक ये टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला अच्छे से भून नहीं जाता। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो जितने मसाले मैं आपको बताती हूँ इसी चम्मच से मेजर करके बताती हूँ, तो आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, ये सारे चम्मच मेजरिंग चम्मच है, इसी से हम सारा मसाला मेजर करके बताते हैं। मसाले अच्छी तरह भून रहे हैं, ये देखिए थोड़ी देर मसाले को अभी हम और भूनेंगे और इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में महक रही है क्योंकि हमने इसमें कुटे हुए मसाले डाले हैं। आप जब भी कढ़ाई गोश्त या फिर कढ़ाई चिकन बनाएं इसमें कुटे हुए मसाले जरूर डालें, इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हम इसे थोड़ी देर और भून लेते हैं। 12 से 15 मिनट भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, थोड़ी देर दही को भी भून लेंगे। दही डालकर भी 4 से 5 मिनट भून लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी हम यहाँ ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप या 1/2 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे। तो हम डाल देते हैं 1 कप पानी। पानी आप यहाँ ज्यादा ना डालें, इतना डालें कि मटन अच्छे से गल जाए। तो 1 कप हमने पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से देख लें। तो इसका लगा देंगे हम ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। ये आप तब तक कर रहे जब तक कि आपका मटन अच्छे से गल नहीं जाता। 3 से 4 सीटी के बाद में गैस को हम बंद कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। मटन अच्छी तरह गल गया है, अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 कप पानी डाला था और 1 कप पानी में आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है। थोड़ी देर भूनने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लगती है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लें। अगर आप इस तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं तो अब इसमें हम डालेंगे मलाई, अगर आपके पास में क्रीम हो तो क्रीम डाल दें। 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम इसमें मलाई, थोड़ा सा डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट इसे पका लेंगे। थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में कढ़ाई गोश्त बनकर तैयार है। गैस को करेंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिसॉल्व।